हेलो फ्रेंड, मेरा नाम जावेद, आप देख रहे हैं सोलर टेक्निकल। आज हम आपको दिखाने वाले हीट पंप के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। ये 39 किलो वाट का हीट पंप है और ये 2000 लीटर का टैंक है। अब इनमें जो है ये इसका एक खासियत है, बिजली बहुत ही कम लगती है इसमें। और अपना जो सोलर वाटर हीटर होता है उसमें थोड़ा पैनल वगैरह लगाना पड़ता है, इसलिए उसमें स्पेस ज़्यादा होता है। इसमें कम स्पेस में आपका काम हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे घरों में एसी होता है, उस हिसाब का काम करता है। इसकी जो है कि हीट कैपेसिटी जो है 39 किलो वाट है हीट कैपेसिटी, और रेटेड कैपेसिटी जो इनपुट पावर है वो 8.5 किलो वाट है। अब आप देखेंगे जो कनेक्शन वगैरह है, इसके कनेक्शन हमने टैंक में इनपुट दे दिया नीचे से, और आउटपुट गर्म पानी का जो हमने ठीक गर्म पानी का आउटपुट ऊपर से होता है। और टैंक में जो है कि यहाँ से हमने एक पाइप निकाला, ये मोटर के थ्रू जाता है पानी, मोटर लगाना ज़रूरी होता है इसमें। तो हम एक मोटर लगाए, मोटर लगाने के बाद इस हीट पंप में जो है कि यहाँ से चला गया, इनपुट हो गया और ये ठीक यहाँ से आउटपुट हो गया टैंक में। ये पानी ठंडे पानी को गर्म करेगा, ठंडा पानी नीचे आएगा और गर्म करके फिर टैंक में डालेगा। इसी तरह ये सर्कुलर चलता रहता है गर्म पानी का। और ये बहुत ही कम खर्चे का, थोड़ा महंगा पड़ता है पर इसमें जो कोई भी ज़्यादा कोई फॉल्ट वगैरह होता है, और जैसे एसी घरों में लगता है सर्विसिंग वगैरह होता है उसमें ऐसे ही काम होता है। और इसमें और कुछ नहीं है, दो पंखे लगे हुए हैं, ये आपको चालू करके दिखा रहे हैं। ये अभी चालू है और ये चालू हो गया।